नौदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पांच राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए आज राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने ग्लोड में लोक निर्माण विभाग के उप कार्यालय में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने विभाग और कंपनी द्वारा तैयार किए गए नक्शे को भी जनप्रतिनिधियों को दिखाया और उस पर चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव अधिकारियों से साझा किए। भट्टा से ग्लोड और सलोनी तक बनने वाले 75 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर लोगों और जन प्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप और कानूनी दायरे में रहकर शीघ्र ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अगली कार्यवाही शुरू हो जाएगी। भट्टा से सरेड़ी तक पहले से चालू सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जिसमें डबल लाइन का रोड बनेगा। इसकी चौड़ाई 12 मीटर होगी। विभाग गांव या कस्बे के बीच में 18 मीटर जगह लेगा। खुली जगह पर 24 मीटर जमीन का अधिग्रहण करेगा। जलाड़ी से सरेड़ी तक कोई भी बाईपास नहीं बनेगा। सरेड़ी से आगे हरेटा तक 3 बाईपास बनेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे छोटे कस्बों को छोड़ दिया जाएगा। सरेड़ी से हरेटा तक सड़क के दोनों ओर घनी आबादी होने की वजह से विभाग ने बाईपास बनाने का निर्णय लिया है, ताकि आम जनमानस को ज्यादा नुकसान ना हो। केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 68 राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने की घोषणा की है और इसमें 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग नौदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनेंगे। इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बनने से नौदौन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा और आए दिन हिमाचल प्रदेश में हो रहे हादसों में भी कमी आएगी। सरकार और विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के काम में तेजी लाने पर जनप्रतिनिधियों ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के कामकाज पर खुशी व्यक्त की है। क्षेत्रवासियों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिला हमीरपुर के अधिशांसी अभियंता जगदीश कानगो, सहायक अभियंता दीपक कपिल, निजी कंपनी वेव कोर्स के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में जिला परिषद बिहारी लाल प्रधान, कमलजीत नाल्टी के प्रधान, ज्योति प्रकाश, प्रेमदास, सुरजीत कुमार, अमरनाथ शर्मा व अन्य कई गणमान्य लोगों ने अधिकारियों से इन राजमार्गों की चर्चा की।